हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका मैडम टेक से और आज फिर से हम लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए एक नया डिवाइस। इस बार ये है मोटोरोला का नया मिड रेंज फोन मोटो जी सेवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोटो जी सेवन की अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक फर्स्ट लुक। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है मोटोरोला मोटो जी सेवन। इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग में आपको दिखेगा मार्केट में। और बॉक्स ओपन करने से पहले कुछ इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ब्लैक और वाइट वेरिएंट अवेलेबल हैं और ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो मैंने रिव्यू के लिए लिया है ये वाइट डिवाइस है। कुछ हाइलाइट्स जैसे कि इसमें टर्बो पावर वाला चार्जिंग मिलेगा, साथ ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा, अच्छा ड्यूरेबिलिटी होगा और एक फुल विजन डिस्प्ले वाली फुल HD प्लस स्क्रीन होगी। तो चलिए बॉक्स ओपन करके देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स हैं बॉक्स में। तो टॉप पर आपको मिल जाता है ये मोटो जी सेवन जिस पर कवर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो एक प्रोटेक्टिव कवर है, काफ़ी फ्लेक्सिबल, अच्छा क्वालिटी लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर सिम ट्रे ओपनिंग वाला पिन, रीडमी गाइड, वारंटी कार्ड, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन वगैरह। और फिर आता है ये टर्बो पावर चार्जर जिसका आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट 3 एम्पियर दिया गया है। उसके बाद ये सी टाइप चार्जिंग केबल दी गई है। तो फ्रेंड्स, फोन पर आते हैं, इस तरह का दिखता है मोटो जी सेवन। लुक्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। अभी फ़ोन मैंने सेट कर लिया है, फटाफट से ये निकाल देते हैं। तो इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। बैक पर अगर देखें तो ये एक बहुत ही स्मूथ सा एक ग्लास काइंड ऑफ पैनल है। अभी वाइट कलर का ये वेरिएंट मेरे पास है और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही मार्बल टाइप का ये लुक दे रहा है, अट्रैक्टिव है ऑफ कोर्स। और अगर बैक की बात करें और यहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्मेशन में इसकी डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। मुझे मोटोरोला का जब भी फिंगरप्रिंट सेंसर है उसका स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही एक थर्ड माइक्रोफोन भी दिया गया है यहाँ बैक पर। तो इसमें तीन माइक्रोफोन्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इस तरफ की बात की जाए तो इस तरफ आप देख सकते हैं टेक्स्चर्ड पावर बटन है और वॉल्यूम रॉकर है। इस साइड पर सीरियसली कुछ नहीं है। और टॉप पर आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलेगा और सिम ट्रे का स्लॉट यहाँ पर दिया गया है। सिम ट्रे का स्लॉट मैं आपको ओपन करके बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। बात करें लोअर पैनल की तो यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, यस गाइस ये अच्छी चीज़ है। और 3.5 ऑडियो जैक। फ्रंट की बात करें तो आप देख सकते हैं LED नोटिफिकेशन लाइट है इसमें साथ में। और ऊपर से यहाँ पर ईयरपीस दिया गया है, बहुत ही स्लीक स्लिम सा ईयरपीस है पर थोड़ा सा बड़ा है। बात करें इसके नॉच की तो नॉच इसमें एक यू शेप का नॉच दिया है, तो इसमें एक यू शेप का नॉच दिया है। यू शेप का नॉच भी है मगर थोड़ा सा मुझे नॉच बड़ा लगा क्योंकि आजकल जो दूसरे फोन्स में हमें नॉच देखने को मिल रहा है काफ़ी कम स्पेस लेते हैं और थोड़े और ऊपर होते हैं सो दैट उसका साइज स्मॉल हो। उसके बाद अभी मैंने इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर सेट किया है और बहुत क्विक इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे लगा। साथ ही फेस अनलॉक भी हाथों हाथ टेस्ट कर लेते हैं। तो फेस अनलॉक आप देख सकते हैं, फेस अनलॉक भी बहुत क्विक है। तो दोनों ही तरह के जो अनलॉक हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद स्क्रीन की साइज़ की बात की जाए, एक अच्छी बड़ी स्क्रीन है, 6.2 इंचेस की फुल HD प्लस स्क्रीन यहाँ दी गई है। 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है और एक अच्छा व्यूइंग इमर्सिव का टाइप का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। गेमिंग में या कोई वीडियोज़ वगैरह आप देख रहे हैं उस स्क्रीन काफ़ी अच्छा है। टच रिस्पॉन्स डिसेंट है। और अगर हम थर्ड पार्टी ऐप्स की बात करें तो कुछ ज़्यादा ब्लोटवेयर एज सच मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 1.8 GHz वाला octa-core प्रोसेसर, एक मिड रेंज वाला प्रोसेसर है। तो उसी तरह की इसकी प्राइसिंग भी रखी गई है। GPU है Adreno 506 और बेस्ड है Android 9 Pi पर।
बैटरी की जहाँ तक बात की जाए तो हमें यहाँ पर एक 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि मार्केट में जो कंपटीशन इसके साथ के कंपटीशन के फ़ोन्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी कम है। मगर साथ में यहाँ पर आप एक चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते कि ये फ़ोन आता है टर्बो पावर वाले चार्जर के साथ, और साथ ही इसमें सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। 9 घंटे का जो चार्जिंग है वो आप सिर्फ 15 मिनट में चार्ज कर सकते हैं, जो कि एक बढ़िया बात है। तो इस तरह से आपको कोई बैटरी रिलेटेड इश्यूज नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसमें 15 वॉट का जो चार्जर है वो इन इन द बॉक्स आपको साथ ही में मिल रहा है। और जो 3000 mAh की बैटरी है वो मोटोरोला क्लेम करता है कि लगभग ऑल डे चल जाएगी। तो एक दिन के अंदर एक अगर आप एक एवरेज यूसेज करते हैं तो एज सच बैटरी इश्यूज नहीं आने चाहिए। साथ ही मैं आपको यहाँ पर इसका ये सिम ट्रे का स्लॉट ओपन करके बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिपल सिम ट्रे का स्लॉट दिया गया है, जिससे कि आप 512 GB तक इसे एक्सपेंडेबल स्टोरेज बना सकते हैं। और कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे कि इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, और जो 3D ग्लास बैक वाला डिज़ाइन है, साथ ही वाटर रिपेलेंट है क्योंकि इसमें नैनो कोटिंग की गई है, और स्क्रैच रेजिस्टेंट भी ये फ़ोन है। ऑडियो की भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें डॉल्बी ऑडियो है। हमें पता है डॉल्बी ऑडियो कितना पॉपुलर है, कितने बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल जाती है हमें उससे। तो चलिए बात करते हैं कैमरा स्पेक्स की। तो बैक पे जो कैमरा है उसमें आपको बैक पर आपको एक डुअल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है, 12+5 MP, यानी कि 12 MP का प्राइमरी सेंसर है f/1.8 के अपार्चर के साथ, और 5 MP का डेप्थ सेंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बहुत ही क्लियर और नॉन कंफ्यूजिंग टाइप का इसका कैमरा इंटरफेस हम लगता है मुझे मोटोरोला फोन्स का। और इस तरह से आपको और भी मोड्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ, फोटो और वीडियो, साथ ही ये और मोड्स, पोर्ट्रेट, कटआउट, स्पॉट कलर। स्पॉट कलर मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है वो। उसके कुछ पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसमें नया है सिनेमाग्राफ, पैनोरोमा, स्लोमो, टाइम लैप्स और यूट्यूब लाइव का आपको यहाँ डायरेक्ट लिंक दिया जाता है। साथ ही आपको गूगल लेंस देखने को मिलेगा। और कुछ बढ़िया चीज़ें इसके कैमरा में, जैसे कि डिजिटल जूम अप टू 8x है, बर्स्ट शॉट है, ऑटो HDR, टाइमर, हाई रेजोल्यूशन जूम भी है, ऑटो स्माइल कैप्चर है, ऑल इन फोकस, और कटआउट जैसे कि मैंने आपको बताया, पैनोरोमा, मैनुअल भी आप इससे टोटली कर सकते हैं। रॉ आउटपुट में जो फोटोज़ आती हैं वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, और बेस्ट शॉट सिलेक्ट भी ये करके आपको देता है। एक्टिव फोटोज़ वाला ऑप्शन भी है, जैसे कि हमने कुछ और फोन्स में लाइव फोटो हम देखते हैं उस तरह से एक्टिव फोटोज़ है। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, 30 FPS वाली, और 1080p वाली फोटोज़ भी 60 या 30 FPS दोनों में ही शूट कर सकते हैं, और साथ ही हाइपर लैप्स वीडियो भी बना सकते हैं, यूट्यूब लाइव जैसे मैंने आपको बताया, टाइम लैप्स है, और इस साथ ही आपको EISP है। ये बटन जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑन या ऑफ भी रखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू, अगर आप एक मूविंग वीडियो बना रहे हैं या फिर आप स्टेबल पोजिशन में खड़े होकर कोई वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर एक 8 MP का फ्रंट कैमरा है, साथ ही स्क्रीन फ्लैश आपको देखने को मिलेगा, और ऑटो HDR जैसे अच्छे फीचर्स ब्यूटी ऑटो या मैनुअल में भी कर सकते हैं उस तरह से, और ये सारे मोड्स आपको फ्रंट में भी मिलेंगे, पोर्ट्रेट, स्पॉट कलर, ग्रुप सेल्फी, स्लोमो, टाइम लैप्स और यूट्यूब लाइव वगैरह। ये आपके 8 MP से जो सेल्फीज आई हैं, और ये है वो स्पॉट कलर वाले पिक्चर्स जो मैं आपको बता रही थी स्पेसिफिकली, क्योंकि कई बार ये चीज़ हमें जाके एक एडिशनल ऐप में एडिट करनी पड़ती है इस तरह से, मगर इससे ये क्विकली हो जाता है। अब जैसे इसमें मैंने सिर्फ पिंक शेड को हाईलाइट किया है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो यहाँ ये इसने पिंक के साथ डिटेक्ट करा है। इस तरह की डिटेल्स आपको रियर कैमरा से देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल एक अच्छे स्पेक्स वाला एक डिसेंट स्मार्टफोन है मिड रेंज में। तो फ्रेंड्स, ये था नया मोटो G7, एक ठीक ठाक प्राइस वाला फोन है, अच्छा दिखने वाला, डिसेंट स्पेक शीट है,
और प्राइस और अवेलेबिलिटी की जहाँ तक बात की जाए तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर ये ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। फ्लिपकार्ट पर आप इसका एक बेस्ट डील ले सकते हैं अराउंड 16999 में, साथ ही कुछ अच्छे ऑफर्स भी इसके साथ क्लब इन करके आप एक अच्छा डील बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए टेक भरे एपिसोड में। तब तक के लिए मैडम टेक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड बाय गाइज़।